My beloved friends, मेरे प्रिय साथियों, brothers and sisters, भाई और बहनों, and my beloved grandchildren, और मेरे पोते पोतियों, how are you? आप कैसे हैं? Sometimes very hard for the mom. कई बार माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है. To feed the little ones. छोटे बच्चों को खाना खिलाना. Even when my daughters were so too small. जब मेरी बेटियाँ बहुत छोटी थीं. And when grandchildren were too small. और उनके बच्चे भी बहुत जब छोटे थे, especially boys, खासतौर से लड़के, very difficult to feed them. बहुत मुश्किल होता है उनको खिलाने के लिए. You have to take them everywhere, उनको इधर उधर घुमाना पड़ता है, showing the car, उनको कार दिखाना showing पड़ता the bike, है, उनको मोटरसाइकिल दिखाना पड़ता showing है, buses, बसों को दिखाना पड़ता है, and sometimes you have to carry them in the car. और कभी कभी उनको कार में बैठाना भी पड़ता है. Then only they will eat. उसके बाद ही वो खाते हैं. Similarly, उसी तरह maybe your children also find very difficult to eat. शायद आपके बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा खाना खाने के लिए. Don't worry. अगर चिंता ना करें. Put your hand on the stomach of the children. उनके पेट पर अपने हाथ को रखें. And say Jesus name. और कहे यीशु का नाम. 50 times. 50 बार. They'll start to eat very well. वो अच्छे से खाना खाएंगे. At the same time. उसी समय. My dear housewives. घर में रहने वाली गृहिणियों. And those who go for work. और जो काम पर निकलती हैं. Especially couples. और खास तौर से पति पत्नी. I know you will be very stressful. मैं जानता हूँ कि आप मेहनत करते हैं. Very tension. और टेंशन में रहते हैं. You may find very difficult to find a time to speak with God. और आपको कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है कि परमेश्वर से आप बात करें. But today I am telling the secret. मगर आपको एक रहस्य मैं बताना चाहता हूँ. Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण करें. And then. और उसके बाद you can speak to him 24 hours. आप उससे 24 घंटे बात कर सकते हैं. You can pray 24 hours. आप 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं. Anything you do. और जो कुछ आप क्यों ना करते हो. Romans 8:26. रोमी 8:26. He will speak and pray. वो बोलेगा और प्रार्थना करेगा. The tongues will run in our body like a current. आपके शरीर में एक बिजली के समान वो अन्य भाषा चलती रहेगी. Just like a running water. वो पानी जो बहता है उसके समान है. So the running water never dried up. बहता पानी कभी सूखता नहीं है. John 4:10-14. यूहन्ना 4 उसका 10 और 11. So don't worry. इसलिए चिंता ना करें. Have good courage. और आपके हिम्मत बांधे receive anointing. और अभिषेक को प्राप्त करें. Psalm 40 verse 17. भजन संगीता 40 उसका 17 पद. Psalm 70 verse 5. भजन संगीता 70 उसका 5. There is one word repeatedly come. उसमें बार बार एक शब्द आता है. Lord, do not delay. हे प्रभु देर ना कर. Do not be tardy or lazy to hear my petitions. हे प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को सुनने में आलस ना दिखा. The word delay is there. वो जो देर करना शब्द है. David was always thought to be in a critical conditions. दाऊद हमेशा बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में पाया जाता था. God has anointed him. परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया था. At the age of 16. 16 साल की उम्र में. So nearly 17 years. तो तकरीबन 17 साल he was suffering. वो बड़ी दिक्कत में था. He had been driven off from the country. वो अपने देश से भगा दिया गया. Just because of jealousy. सिर्फ ईर्ष्या के कारण. And he had been surrounded by enemies. वो हमेशा शत्रुओं से घिरा रहता था. Just like the number of the bees and the hair of the head. जैसे मधुमक्खियों की संख्या या सर में बाल होते थे. The number of the enemies was so numerous. उसके शत्रुओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होती थी. Without reason. बिना किसी कारण के. Psalm 69 verse 4. भजन संगीता 69वां अध्याय 4th पद. All the time. हमेशा. He wants a help from God. उसको परमेश्वर से मदद की जरूरत पड़ती थी. Every time. हर वक्त. He pleaded unto God. वो परमेश्वर से विनती करता था. Lord, do not delay. हे प्रभु देर ना कर. Do not delay. देर ना कर. Do not be tardy or lazy or careless about my petition. मेरी प्रार्थना का उत्तर देने में आलस ना दिखा. See in my office. देखिए मेरे ऑफिस में. We are receiving a lot of emails. कई ईमेल आते हैं. And phone calls. और फोन कॉल्स आते हैं. Letters. पत्र आते हैं. Some people used to write every day. कुछ लोग हर रोज लिखते हैं. Every day used to send emails. हर रोज ईमेल भेजते हैं. Sometimes the same thing again. एक ही चीज को बार बार कई बार.
Though my secretary, मेरे secretary, and the letter department used to say, और letter department इस प्रकार से कहते हैं, uncle, this person have no work. इस व्यक्ति के पास और कोई काम नहीं है. So he is disturbing you like anything. इसलिए वो हमेशा आपको तंग करता रहता है. Every day the same emails, letter, same contents. But I used to tell her, it's your bounden duty that you have to reply. हर रोज वही ईमेल, वही बातें, और मैं उससे कहता था कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसको जवाब दो. If the reply hasn't reached them, अगर वो जवाब उसके पास नहीं पहुंचा है, they might have no other comforter. उनके पास शायद कोई और सांत्वना देने के लिए ना हो, friend, या फिर कोई दोस्त ना हो. So they were thinking, तो वो सोच रहे होंगे they can pour their heart only to me. कि वो सिर्फ मेरे सामने ही अपने दिल को उंडेल सकते हैं. Thinking I am the man of God, ये सोच कर कि मैं परमेश्वर का जन हूं. Receive all their burdens and so on. वो अपने सारे दुखड़ों को मेरे सामने रखना चाहते हैं. So similarly, उसी तरह से many years, कई साल, and years after years, साल के बाद साल, you might have sent for your petition, आप अपने प्रार्थनाओं को भेजते होंगे, sent for petition to heaven, और अपने प्रार्थनाओं को स्वर्ग में भेजते रहे again, again, बारंबार, but there seems to be no answer, और वहां से कोई उत्तर ना आता हुआ प्रतीत. Sometimes God seemed to be as though he shut his mouth. ऐसा लगता है कि कभी कभी परमेश्वर ने अपने मुंह को बंद कर लिया है. And many times he may ask, और कई बार आप पूछेंगे, Lord, how long? कि हे प्रभु कितने दिन. Even in Psalm 22, भजन संहिता 22 में verse 4 to 7, 4 से 7 के बीच, David was asking God, दाऊद यही परमेश्वर से पूछता है, our forefathers put trust in you. हमारे पूर्वजों ने आप पर भरोसा किया. You have heard them. उनकी प्रार्थना आपने सुनी. But now, मगर अब, you are not hearing my petition. आप मेरी बातें नहीं सुनते हैं. Hearing my prayer, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं. Where are you? आप है कहाँ? Oh God, हे परमेश्वर, why hast thou forsaken me? आपने मुझे छोड़ क्यों दिया है? We might also ask like that. हम भी ऐसे पूछ सकते हैं. I am particularly asking for this matter. मैं इस खास चीज के लिए आपसे पूछता हूँ. Fasting, उपवास, crying, रोना, corporate prayers, मिलके प्रार्थना करना, family prayers, स्वर्गीय प्रार्थना, personal encounter, व्यक्तिगत रिश्ते. But why you are not asking? आप क्यों नहीं पूछते? For so many things, कई चीजों के लिए people are crying, लोग रोते हैं. Many times they receive no answer, और कई बार उनको कोई जवाब नहीं मिलता. One thing you have to think, एक चीज आपको सोचना है. No is also an answer, ना भी एक जवाब होता है. Recently, हाल ही में, My friend, doctor lady, मेरी एक दोस्त हैं जो कि डॉक्टर हैं. Affected by cancer, कैंसर से पीड़ित हुई. Even though she was a doctor, वो डॉक्टर थी तो भी, she never noticed that. उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया. So suddenly stood up, वो अचानक से उठ के आया. And suddenly she became very serious. और वो बहुत ही गंभीर मामला हो गया. 4 major operation doctors did. डॉक्टरों ने 4 major operation किए. But couldn't find where the cancer. मगर उस कैंसर को ढूंढ ना पाए. Every day, हर रोज, I used to call her. मैं उनको बुलाता था. And with tears, I used to pray for her. मैं आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना करता था. Then one day, एक दिन, I was little bit angry with God. मैं परमेश्वर से थोड़ा नाराज था. God, I am the servant of you. हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ. You have to answer for me. आपको मेरे लिए जवाब देना ही होगा. Whether you answer for her or not. आप उनके लिए जवाब देते हो कि नहीं हो. I am believing in you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ. I am your servant. मैं आपका सेवक हूँ. So you never abandon my prayers. आप मेरी प्रार्थनाओं को कभी तिरस्कार नहीं करते हैं. Tell me. मुझे बताएं, What is your will in this case? इसमें आपकी इच्छा क्या है? Then midnight, उस आधी रात को, 1:30 Jesus came. 1:30 बजे यीशु आए. And comforted me first. सबसे पहले मुझे सांत्वना दिया. My son, कहा मेरे बेटे, I am going to take you to heaven. मैं उसको स्वर्ग में लेके जा रहा हूँ. Then I started to cry. अब मैं रोने लगा. And Jesus smiles and asks, अब यीशु मुस्कुरा के मुझसे पूछता, Why are you crying? तुम क्यों रोते हो? Don't you know there is no cancer in heaven? क्या तुम नहीं जानते कि स्वर्ग में कैंसर नहीं होता? Do you want me to make it to suffer? क्या तुम चाहते हो कि वो तड़पती रहे? She is my child. वो मेरी बेटी है.
Am I have no right to take it to my home? क्या मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं उसको अपने घर ले चलूं? Then suddenly, और तब अचानक little angels came. छोटे-छोटे स्वर्गदूत आए. Very little angels. बहुत छोटे स्वर्गदूत. They put a white crown on her. और एक सफेद मुकुट उनके ऊपर रखा. And shook hand. और हाथ मिलाया. They said to her. और उनसे कहा. Well done. बहुत अच्छे. And then again. और उसके बाद. Jesus showed me a vision. यीशु ने मुझे एक दर्शन दिखाया. She was just like a red rose. वो खूबसूरत गुलाब फूल की तरह थी. In the aloe vera thorns. And Jesus said. aloe vera के कांटों के बीच में. और यीशु ने कहा कब तक? My red rose. मेरे लाल गुलाब. Is amidst the thorns. इन कांटों के बीच में रहेगी. I'm going to pluck it. अब मैं इसको निकालूंगा. And put it on my garment. और अपने वस्त्र में लगाऊंगा. Then I decided. तब मैंने निर्णय लिया. God has sent an answer. कि परमेश्वर ने मुझे एक उत्तर दिया है. Is no. उसने कहा है ना. She will not be healed. अब वो चंगी ना होगी. Physically in this world. शारीरिक रूप से संसार में. But she'll go to the Father. अब वो अपने पिता के पास जाएंगी. Going to enjoy with the Father. अब आनंद अपने पिता के साथ मनाएंगी. So similarly. उसी तरह. Many times. कई बार. Even though you are crying. आप रोते हैं तो भी. There'll be no answer. वहां से जवाब नहीं आते हैं. Two things the Lord really delayed. दो चीज बहुत समय प्रभु ने लगाया. Number one. पहली बात. Matthew 25:5. मत्ती 25 का 5. And also 2 Peter. और साथ ही दूसरा पत्रस. 3:9. 3:9. He delayed his second coming. उसने अपना दूसरा आगमन में देरी की. He delayed his second coming. उसने अपने दूसरे आगमन में देरी की. That all may be saved. ताकि हर कोई बचाया जा सके. All may be saved. ताकि हर कोई बचाया जा सके. Hallelujah. 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 And second thing, John chapter 11. दूसरी बार यूहन्ना 11 अध्याय. Verse from 12-14. 12-14 पद तक. In order to show his glorious manifestation of raising up Lazarus on the fourth day. ताकि वो अपने महिमा को दिखा सके लाजरस को उठाए जाने में उसने चौथे दिन तक इंतजार But किया his delayed मगर उसका देर करना is not late. देरी नहीं होती That is in time. वो निश्चित समय पे होता है Hallelujah. Hallelujah. That's in time. वो बिल्कुल समय पे होता Delay है for God, परमेश्वर के लिए देरी करना that means he is late, इसका मतलब है कि वो देर करता but है that's in time. परंतु समय पे होता है Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर But in our case, मगर हमारे मामले में one thing we have to delay. एक चीज हमें देर करना पड़ता one है thing we have to tarry. हमें देरी से करना पड़ता What है is that? वो क्या है James chapter 1 याकूब पहला अध्याय verse 18-19 और उसका 18-19 we have to tarry we have to tardy to get anger हमें गुस्सा करने में देर करना चाहिए when you get anger जब आपको गुस्सा आता है put your hand like this अपने हाथ को इस प्रकार से रखें lord कहें परमेश्वर take my anger from my body मेरे अंदर से मेरे गुस्से को हटा दे From my heart. मेरे दिल के अंदर से हटा दे If everybody delayed in getting angry, अगर हर कोई गुस्सा करने में देरी दिखाए There'll be no fighting at all. तो फिर वहां पे कोई लड़ाई नहीं होगी Hallelujah. Hallelujah. Say praise the Lord. कहें praise the Lord. Do you get angry? क्या हम गुस्सा करते हैं From today, आज से when you get, जब आप करते हैं अब करते हैं ओके ठीक है डू दैट यही करें देन यू गुड पर्सन एक अच्छे व्यक्ति बने वेदर यू आर साधु और नॉट यू हैव टू बी पेशेंट आप एक साधु हैं या ना हैं आपको धैर्य रखना पड़ेगा ही डू नॉट गेट एंग्री गुस्सा ना करो बट एट द सेम टाइम मगर उसी समय द बाइबल टेल्स बाइबल इस प्रकार से कहता है नॉट डिले समथिंग हमें कुछ चीजों में देर नहीं करनी चाहिए Two things. दो बातें Number one. पहली बात In Psalm 119. भजन संगीता 119. Verse 60. I make haste to obey your commandments. उसके 60 पद में मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तत्परता दिखाता हूँ Whether it's a word. चाहे वो एक शब्द हो We have to rush.
हमें तुरंत करना है। You make haste to obey to the word. आप वचन को मानने के लिए तत्परता दिखाएं। Whatever the problem, चाहे जो समस्या, it doesn't matter. वो मायने नहीं रखता। You have to make haste to obey to His word. उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तत्परता दिखाना है। Even though it seems to be that it will not happen at all. ये ऐसा भी लग सकता है कि हो ही नहीं सकता। If somebody says, अगर कोई कहे, a good cinema is on the town. अरे देखो बहुत अच्छा सिनेमा लगा हुआ है शहर में। You must make a opposite direction. आपको उल्टा उसके लिए जाना पड़ेगा। If somebody says, और अगर आपसे कोई कहे, a young person, एक जवान व्यक्ति, an attractive woman is going on. Let us go and watch her. अरे देखो बहुत सुंदर सी औरत जा रही, उसको आके देखते हैं। And start to pass kidding. और आप पर दबाव डालें। You must make haste to go away from them. आपको तत्परता दिखाना है कि आप वहां से भाग जाएं। So to obey to God, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना, you always make it urgent. उसको आप हमेशा अति आवश्यक बनाएं। If you are not making urgent, उसको अति आवश्यक अगर आप नहीं, something worse will happen. और बुरा कुछ हो सकता है। For example, when I was young, जब मैं छोटा था, God asked me to preach the gospel. परमेश्वर ने मुझसे सुसमाचार बोला। To the village after village. गांव दर गांव जाकर, गांव दर गांव जाकर, sometimes in the midnight, कभी कभी आधी रात को, early morning, और सुबह सुबह, many times, कई बार, my body says, मेरा शरीर कहता है, my stomach will fight with me, मेरा पेट मुझसे लड़ता है, how can I digest, मैं किस तरह पचा पाऊं, if you are not sleeping, अगर तुम सोते नहीं हो तो, if you are not giving rest, अगर तुम आराम नहीं करते हो तो, But if I have not gone there, परंतु अगर मैं वहां नहीं गया, somebody might suicide. शायद किसी ने आत्महत्या कर ली होती, somebody might have attempted suicide or committed suicide. किसी ने आत्महत्या कर, somebody might have gone with the devil. कुछ लोग शैतान के साथ चले गए, so I have to run. इसलिए मुझे भागना था, I was so tired. और मैं बहुत थका हुआ था, I was doing part-time job. क्योंकि साथ ही साथ मैं एक काम भी कर रहा था, morning hospital. सुबह हॉस्पिटल में, evening 4 to 7 मीटिंग, और शाम को 4 से 7 मीटिंग, 11:30 मीटिंग, और फिर 11:30 मीटिंग। दैट नाइट आई सेड, और उस रात को मैंने कहा, टायर्ड, हे प्रभु मैं थक गया, लेट मी स्लीप, मुझे सोना है। देन आफ्टर आई गॉन टू स्लीप, और मेरे सो जाने के बाद हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर, एंजल वॉक मी अप, एक स्वर्गदूत ने मुझे जगाया और कहा कि प्रार्थना कर। माय नीज आर पेनिंग, और मैंने कहा कि मेरे घुटने दर्द करते हैं। एंजल सेड प्रे, और स्वर्गदूत ने कहा कि said, no, मैंने कहा नहीं, let me sleep today. मुझे आज सोने दे। Then again angel wake me up. स्वर्गदूत ने मुझे उठाया। And I told angel, और मैंने स्वर्गदूत से please, कहा, कृपया। There are a lot of people to pray in the night in this town. इस शहर में रात को प्रार्थना करने के लिए ढेर सारे लोग हैं। Have you found me only? क्या आपको मैं ही दिखाई दिया? Couldn't you find anybody else? आप कोई और ढूंढ ना पाए? But angel again said. मगर स्वर्गदूत ने, प्रे माय सन, मेरे बेटे प्रार्थना, सो आई स्टार्टेड प्रेयर, इसलिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। आई हेसन टू प्रे, और मैंने प्रार्थना करने में तत्परता दिखाई। देन 5 hours, 5 घंटे, आफ्टर 5 hours, 5 घंटे के बाद, मॉर्निंग 5 o'clock, सुबह सुबह 5 बजे, आई टोल्ड माय वाइफ, मैंने अपनी पत्नी से कहा, स्टिल मोर, ओनली 1 hour, सिर्फ एक और घंटा बाकी, इफ एनीबॉडी कम्स प्लीज से नो, अगर कोई आए तो उनसे ना बोल दे। रश टू हॉस्पिटल 6 o'clock, 6 बजे मैं अस्पताल गया। But, मगर after some time, कुछ समय बाद, there was a big noise, एक बहुत बड़ी चिल्लाहट, घर के बाहर, a young wife came, एक जवान पत्नी आती है, a small baby, उसके हाथ में छोटा सा बच्चा, and they came with a platter and they came with all sorts of apple and everything. और वो एक प्लेट में ढेर सारे फल वगैरह लेके आते हैं। And she said, और कहती है, my husband died exactly 11 o'clock in the hospital. कल रात को ठीक 11 बजे मेरे पति खत्म हो गए थे। The angels took his life. और स्वर्गदूत उसके जीवन को लेके चले गए। Threw it in bottomless pit. और उसको अनंत काल के नरक में डाल दिया। Doctor said, मगर डॉक्टर ने कहा, died. आपके पति खत्म हो चुके हैं। उसके शरीर को ले जाएं। Pay the balance bill. बाकी पैसा जमा कर दें। But I have no money. मेरे पास कोई पैसा नहीं What था। Bank will be open by 12 o'clock midnight.
कौन सा बैंक है जो आधी रात को खुला हो? I went to my village. इसलिए मैं अपने गांव में गया. And in the morning. और सुबह सुबह. I woken up relations. और अपने रिश्तेदारों को जगाया. Got the money. पैसा लिया. And came to the hospital. और अस्पताल में आए. With a black painted van. और एक काले रंग का वैन भी साथ लाए. To carry my dead husband. ताकि मैं अपने मृत पति को ले जा सकूं. But when I came. जब मैं आया. All the nurses came. सारे नर्स लोग आए. Doctor nurses said. डॉक्टर नर्सों ने कहा, What have you done? तुमने क्या किया? Your God, आपके Your God, आपके परमेश्वर ने dead man, उस मृतक व्यक्ति को उठा लिया. 5 o'clock, 5 बजे सुबह, and he is sitting, और वो बैठा हुआ है, and he is asking for orange, वो ऑरेंज के लिए पूछ रहा है. He is alive. वो जिंदा है. Because of this miracle. इस चमत्कार के कारण. Not necessary to pay any bill. आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं. We will give all the money to you. हम सारा पैसा आपको देंगे. Yes, my dear children. हाँ, मेरे प्रिय बच्चों. David said. दाऊद ने कहा. Let me hasten. Let me make haste to obey your commandments. तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए मैं तत्परता दिखाऊंगा. Shall we pray? क्या हम दुआ कर सकते हैं? Oh heavenly Father, हे स्वर्ग के पिता, You have given us every privilege. आपने हमें सारे अच्छी भलाइयां दी हैं. To call you as Father in heaven. ताकि आपको हम स्वर्गीय पिता कहके बुला सके. Lord, You have opened the most holy place. प्रभु, आपने सबसे पवित्र स्थान को खोल दिया. By allowing Your Son to shed blood. आपके बेटे को बलिदान स्वरूप चढ़ाने के द्वारा. When Your Son died. जब आपके बेटे ने मृत्यु को प्राप्त किया, the thick veil which separate the most holy place and the outer place, जो पर्दा जिसने अति पवित्र स्थान और बाहरी स्थान को अलग कर रखा था, had been torn down from top to bottom, वो ऊपर से नीचे तक फट के अलग हो गया. That means, इसका मतलब, anybody can reach the most holy place, कि कोई भी उस पवित्र स्थान तक पहुंच सकता, through the blood of Jesus, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा. We thank you, हम धन्यवाद देते हैं, हम तुझे स्तुति करते हैं. Lord, we say hallelujah to our Lord. हम अपने परमेश्वर के हालेलुया बोलते हैं. Make my children of God. होने भाई की परमेश्वर आपके बच्चे. To seek you. आपको खोज पाए. Find you. और पाए. Let them reach a holy place. वो पवित्र स्थान तक पहुंचे. With courage. हिम्मत के साथ. Because He already opened the most holy place for them. क्योंकि उसने पहले से ही वो सबसे पवित्र स्थान को खोल दिया है. Hear their prayers. उनकी प्रार्थनाओं को सुनो. Hear their prayers. उनकी प्रार्थनाओं को सुनो. As many ladies are kneeling down and praying. और जैसे कई औरतें घुटने टेक कर प्रार्थना करती हैं. As many children are kneeling and praying. कई बच्चे घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं. Hear their prayers. उनकी प्रार्थनाओं को सुने. Some ladies are 24 hours crying and praying. कुछ औरतें 24 घंटे कब रोती हुई प्रार्थना करती हैं. Some gents are fasting and praying. कुछ आदमी उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं. Especially one lady is praying for a son with brain tumor. और खासतौर से एक औरत अपने बेटे के ब्रेन ट्यूमर के लिए प्रार्थना करती है. Jesus touching the boy right now. यीशु, उस लड़के को तू अभी छू ले. As your boy is on the laps of you. जैसे वो लड़का आपके गोद में अभी है. The power is coming. परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा है. The brain tumor shrink back and disappear in Jesus. और ब्रेन ट्यूमर हमेशा के लिए गायब हो रहा है. No need of operation. ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं. The Lord touches you right now. हे प्रभु, तुम्हें छूने वाला है. Hallelujah. Hallelujah. Somebody is praying. कोई प्रार्थना करता है. You are doing pipe making work. आप एक पाइप बनाने वाले काम करते हैं. Recently. अभी. Your company have a great loss. आपकी कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. And both husband and wife are weeping and crying. पति और पत्नी दोनों रोते हुए दुआ करते हैं. Every day you used to go to your workshop. हर रोज आप अपने वर्कशॉप में जाते हैं. And cry. और रोते हैं. All of your newly made pipes are still remaining without selling. आपके नए बनाए हुए पाइप अभी भी पड़े हुए हैं और बिक नहीं रहे. Today. आज. Today, आज, Jesus comes with you. यीशु आपके साथ आता है. And all the storage and pending balances are going right now.
और जो भी जो स्टोर में पड़ा हुआ है अपना भी बचा हुआ है सब ठीक होने वाला है. Your name is Abhinaya. आपका नाम अभिनय है. Your husband name is Vijayan. आपके पति का नाम विजयन है. The Lord touches you right now. प्रभु आपको छूने वाला है. Release. आपको छुड़ाने वाला है. Release his blessings. अपनी आशीषों को देने वाला. Your tearful prayer has been answered. आपके आंसुओं से भरे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा. I'm seeing another couple. मैं एक और पति पत्नी को देखता हूं. Waiting for a long time. जो बहुत समय से इंतजार चर्च बिल्डिंग अपने चर्च की बिल्डिंग बनाने Jesus के यीशु is giving you right now. आपको वो देने वाला है. Giving you right now. आपको वो देने वाला है. Receive that. उसको ग्रहण करें. Receive that. उसको ग्रहण करें. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. हे प्रभु यीशु. Answer all the prayers of your children. अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को जवाब दे. Whether it's no or yes. और ये हाँ हो या ना हो. Answer them. उनको जवाब दे. Wipe away tears. उनके आंसुओं को तो पूछ. Bless them. आशीष दे. In Jesus name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. My beloved friends, brothers and sisters, elders and mothers, and my little children. I know that our TV programs are always useful for you. Wherever I go, my beloved believers used to say, we are waiting for your program right from the whole week. So I know that these programs are very useful unto you. Paul says in 1 Corinthians chapter 9 verse 15 and 16, woe unto me if I have not preached the gospel. Similarly, Jesus also said in Luke chapter 24 verse 47, the repentance and the forgiveness of the sins and the gospel should be preached right from Jerusalem to the all over the world. And Jesus said, go ye into the world and proclaim this gospel. So God has called us to preach this good news unto everybody, right from our place till to the end of India and to many nations through these TV programs. As you know very well, we are producing these programs in TV not because we have some foreign money or some extra money or abundant money, no. Every TV program, after it has been broadcasted or before broadcasted, we have to pay a huge amount to the Broadcasting Limited. So every month we look upon the Lord in faith that this need should be met. Along with this TV program, our Ministry of Jesus, which has been started more than 38 years back, it has several diversities and also having a lot of charity works. For example, we are conducting mass healing meetings and also soul winning meetings and also good news festivals, family blessing meetings and personal counseling and magazine and books ministry and cassette ministry and website, email and telephones and then video ministry. And so many ministries we are doing. Day after day, we are running towards the goal that the heaven should be filled with the believers. And our Lord Jesus is so gracious by performing mighty miracles in His name in all these meetings. At the same time, in arranging a meeting in a place is not easy. Our Ministry of Jesus spent a lot of money for that, expecting that the Lord will meet our needs. So I humbly request you, my beloved children, as you're watching all 21 diversities of our ministry, please pray every day. Pray for us as we are traveling a lot. We also become tired, and my whole family involved in the great ministry of Jesus. So please support us by your prayers and also by our free will offering. Almost every month we need 1 crore rupees for this great ministry. And the Lord will never abandon you, never forsaken you as He supports these 21 diversities of this ministry. God bless you.